गाइस हम लोग बाहर जाने वाले थे डिनर करने के लिए, 1 जनवरी सेलिब्रेट करने के लिए, पर घर में इतना सारा आ गया। तो गाजर का हलवा, खीर, वाह खीर टेस्टी लग रहा है यार, कुछ टेस्टी हो ना हो खीर टेस्टी है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा कार्ड बना के भेजा है उन लोगों ने, ओ माय गॉड। ये देखिए क्या आया है इस डब्बे में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लवली व्लॉग। कैसे सब, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग घर आ गए थे और क्या कहते हैं, सुबह सुबह 6 बजे आए, आने के बाद 2 घंटा सोई, फिर उठ के सारा काम वाम की, लंच बनाया, फिर अभी हमने सारा लंच किया। लंच में क्या क्या बनाया था मैंने, आलू का भुजिया, चावल दाल, आलू चप और प्याज वाला पकौड़ा बना था। आए हम इतना थक गए थे, थकान से ही हालत खराब हो गई हम लोग। जितने घूमने में जितना मजा, अभी अगर वहाँ पे हम लोग रहते तो घूम रहे होते, थकान को इग्नोर करके, कि वो एक्साइटमेंट रहता तो थकान को इग्नोर करके घूम रहे होते। पर ऐसे घर आने के बाद होता नहीं कि घर तो घर होता है कि आलस आ जाता थकान। तो अभी हमारा 2 पार्सल था वो आया है, तो आपको दिखाते कि क्या आया है पार्सल में। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, क्या है इसमें, ये वाला खोलो ना, इसमें क्या है। आराम से खोलना, क्या पता रिटर्न करना हो तो पैकेट होना चाहिए ना। अच्छा, मोबाइल किट, मोबाइल ब्लॉगिंग किट। मोबाइल किट बहुत जरूरी था क्योंकि स्क्रीन इतना फ्लक्चुएट करता था, हाँ लाइट की वजह से। ये वाला माइक आ गया ना, अच्छा है, ये वाला गोप्रो में भी लग जाएगा ना आई थिंक, है ना। अच्छा ये रहा माइक, ये रहा फ्लैश लाइट, ये कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ केबल, ये स्विच है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है स्टैंड ना, इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर ना ये लाइट लग जाएगा, लाइट एक एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास तो, हाँ ये ऐसे लग जाएगा, तो ये तो इम्पोर्टेंट था। अभी काम धंधा अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी रेस्ट करेंगे लंच करने के बाद, उसके बाद उठेंगे। और मेरा काजल इतना सारा लगा हुआ था ना कि फेस वॉश करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा काजल मेल्ट होकर निकल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ वही तो स्टैंड बन जाता है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, मेरे को लगा था ये है क्या, ऐसे मैं बार बार देख रहा हूँ कि है क्या। तो इसको ऐसे करो, ऐसे जितना पे लगाना ऐसे रिकॉर्ड करो, हेलो गाइस वेलकम बैक, और जहाँ तुमको स्टैंड करना का जरूरत है सुन लो, इस तरह से लो, स्टैंड बन गया। अच्छा है ना। तो गाइस हम लोग बाहर जाने वाले थे डिनर करने के लिए, 1 जनवरी सेलिब्रेट करने के लिए, पर घर में इतना सारा आ गया। पिज़्ज़ा, आपको खाना था पिज़्ज़ा, खा ले रहे हैं, मन तो था बाहर जाने का, कोई बात नहीं मैं फिर भी आपको बाहर लेके जाऊंगी। गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइस, और ज़्यादा पता नहीं क्या क्या ऑर्डर भेज दिया मम्मी ने, हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट घर में हो गया खा खा के। आराम आराम से खोलना, कुछ गिरे ना, आराम आराम से खोलना, कुछ ऑलरेडी पेट भर चुका है मेरा, यह दिमाग भर रहा है। गाजर का हलवा, खीर, वाह खीर टेस्टी लग रहा है यार, कुछ टेस्टी हो ना हो खीर टेस्टी है। और इसमें है आई थिंक भटूरे है, बहुत हैवी लग रहा है, खोल के दिखाती हूँ। इसमें क्या है, छोले, अच्छा इसमें छोले हैं, भटूरे अलग से है, 3 छोले भटूरे हो गया, गाजर का हलवा हो गया, खीर हो गया, और ये भटूरे अलग से। इसको खोलो तो भटूरे कैसा है, एक थोड़ा सा खोलो तो किनारे से, यहाँ से मुझे क्यों लग रहा भटूरे कम, ये बटर नान होगा है। ओ तेरी, इतना मोटा मोटा भटूरे, ठीक है देखते जितना खा पाएंगे, क्योंकि पिज्जा खा के आता ज्यादा पेट तो भर गया। और अब पूरा पेट भर चुका है, तुम खाई, मैं 2 स्लाइस खाई बाबा, मैं 4 स्लाइस खाया, यानी कि 1 पिज्जा मैं अकेले खाया, एक मैं 2 स्लाइस रवि खाया और तुम 2 खाई। हाँ मैं वो वाला जो था ना नॉर्मल वाला, वो 2 स्लाइस खाई था।
तो गाइस फटाफट खाते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं वॉक करने के लिए कहीं जाएंगे, है ना। नहीं अब हम सब कुछ खाऊंगा। थैंक यू मम्मी पापा रवि सबको, घर बैठे हमारा न्यू ईयर पार्टी क्या कहते हैं हो गया हमारा, अच्छा अच्छा खाना खा लिया हमने घर बैठे ही। सो गाइस क्या कहते हैं, बहुत दिनों से मेरे को ना कमजोरी सा फील हो रहा था, और तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं बीट रूट का जूस पिया जाए या सैलेड, क्योंकि बीट रूट बहुत ज़्यादा फाइबर होता है उसमें, और ब्लड को भी बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, बीपी शुगर सब कुछ मेंटेन रखता है। तो मैं बीट रूट सैलेड खाना पसंद नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मेरे को वो उसका टेस्ट और स्वाद उतना पसंद नहीं है, और इतनी देर तक बीट रूट चबाना उबाना मेरे को पसंद नहीं है, और जूस निकालने में भी आलस आता है मेरे को, कौन सो घिसेगा उसका जूस निकालेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए और ज़्यादा उसका सैलेड ना खाना पड़े बीटरूट का, तो मैंने यहाँ पे मंगाया है बीटरूट पाउडर, जो कि क्या कहते हैं मेरे ये बीटरूट पाउडर मंगाने के बाद मेरे को ये तीन चार चीज़ों में मेरे को हेल्प मिलता है, जैसे कि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ, ये देखिए ये है स्टेमियो कंपनी का बीटरूट पाउडर, इसको मैं क्या कहते हैं डेली कुछ करीब 15-20 दिन तक से पहले से मैं इसको आधा गिलास पानी में मिला के पीती हूँ, हफ्ते में 3 दिन मैं इसको पीती हूँ, रेगुलरली पीती हफ्ते में 3 दिन मैं इसको पीती हूँ, और मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क दिखा है, मेरा जो कमजोरी और जो मेरे को आलस आता था तो वो आलस मेरा थोड़ा कम हुआ है, वर्कआउट भी करते तो उसमें भी ज़्यादा थका नहीं होता कि हाँफने लगती थी मैं, तो उसमें भी मेरे को राहत मिला, ये मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया मेरी बॉडी को। और इसके साथ साथ कभी कभी मैं हफ्ते में एक बार इसको स्किन पर भी लगा लेती थी, बीटरूट पाउडर स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा हनी में और हल्दी पाउडर 1 चम्मच बीटरूट पाउडर और आधा चम्मच हनी और बीटरूट वो हल्दी पाउडर मिक्स करके मैं फेस पे लगा लेती हूँ, फेस पे भी बहुत अच्छा असर करता है, इतना अच्छा ग्लो करने लगता है फेस मेरा। और कभी कभी मैं इसको अपने शैम्पू में मिक्स करके बालों में लगाती हूँ, जिससे शैम्पू का जो केमिकल जो हार्श केमिकल होता है ना वो क्या कहते हैं उतना बालों में असर नहीं करता, और बालों में जो इचिंग और रूसी रूसी वाला रहता है ना वो सब भी दूर हो गया है मेरा, क्योंकि मैं बैंगलोर में ठंडे मौसम में रहती हूँ, यहाँ पे हमेशा ठंडा मौसम रहता है तो रूसी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको शैम्पू में मिक्स करके लगाने से मेरा रूसी का शिकायत भी हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको पीती हूँ, बीटरूट पाउडर का जूस बनाती हूँ। तो ये रहा बीटरूट पाउडर, और आधा गिलास पानी आधा गिलास से ज़्यादा, और इसमें 1 चम्मच भर के इसमें मिलाऊंगी पाउडर, तो ये मैंने घोल लिया, और देखिए कितना ज़्यादा रेड हो गया, बिल्कुल खून जैसा लाल लग रहा है, और थिकनेस भी इसकी बहुत है, ऐसा नहीं कि पानी में डाला तो बिल्कुल पानी जैसा पतला, बहुत ज़्यादा थिक है ये, और पीने में भी क्या कहते हैं अच्छा लगता है। तो मैंने इसको पूरा ख़त्म कर लिया, और ये पीने में क्या कहते हैं हल्का मीठा मीठा सा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा था नहीं, पर बीटरूट का जो स्वाद आता है ना हल्का मीठा मीठा सा बीटरूट का टेस्ट, वैसा सा टेस्ट है इसमें, बिल्कुल भी कोई कड़वा सा टेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और जब मन करे आपका आप इसको घोल के पी लो, आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है, आयरन बहुत है इसमें, वो विटामिन सी भी बहुत है इसमें, ऊपर से एनीमिया की शिकायत भी लड़कियों को रहती है, खून की कमी वो भी बहुत अच्छा करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एक्सरसाइज करने में जो थकावट हो जाती है वो भी घट जाता है। तो मैंने तो ये स्टेमियो कंपनी का मंगवाया है बीटरूट पाउडर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी क्या कहते हैं वो कहते हैं ना केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री, सब कुछ फ्री है, प्योर नेचुरल बीटरूट पाउडर है ये, हर्बल बीटरूट पाउडर है। तो आप लोगों को भी अगर ये चाहिए तो मैं इसका पूरा लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और डिस्काउंट जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए और वहां से जाके खरीदिए आप लोग भी। मॉर्निंग गाइस, मेरा पार्सल आया है दिल्ली से फिर से, एक बार दिवाली के बाद फिर से मेरा पार्सल आया दिल्ली से, ऊपर जाते हैं और फटाफट खोल के देखते हैं कि इस पार्सल में है क्या। वैसे तो मैंने अपने लिए ही कुछ चीज़ें मंगाई थी, वही है। तो गाइस अब इसे खोलते हैं, ये देखिए लवली मणिकांत, बहुत अच्छे से टेप लगा कर पूरा पैक किया गया है, पहले इसको यहाँ से कट करते हैं, टेप को यहाँ से किया कट, इस थैले के अंदर ये डब्बा था, इस डब्बे को कहाँ से खुलेगा, अच्छा इधर से इसको, ये देखिए क्या कहा आया है इस डब्बे में, ये
ये मेरी दवाई, मैंने अपनी पिंपल्स के लिए दवाई मंगवाई थी जो कि मेरे को दिल्ली में सूट किया दवाई। और ये देखिए, ये मूंगफली बेसन वाले तले हुए, ये मटर नहीं, मटर नहीं है, काबुली चना है फ्राइड मसाला वाला, ये मसाला वाला मूंगफली छिलके वाला, ये बिना छिलके वाला मसाले वाला मूंगफली, ये भी काजू, काजू वाले वो बेसन के जो होते हैं वो सब पति देख खाएंगे। अरे बाप रे, ये देखिए गाइस, ये आया है मेरे और मनी के लिए, ये तो पक्का आदि का काम होगा। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा कार्ड बना के भेजा है उन लोगों ने। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए, ये मेरी और मनी की क्या कहते हैं वो है प्री वेडिंग वाली फ़ोटो, यहाँ पे लिखा दी, ये पक्का आदि का काम है। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से, चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे जीजू लाखों में, एक आदि की राइटिंग है, आदि ने बना के भेजा ये। और बाप रे, न्यू ईयर दी, आई लव यू आदि, ये देखिए आदि ने अपना नाम भी लिख के भेजा है, कितना प्यारा है। और ये आ गया हमारी शादी के बाद, क्या कहते हैं, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी घर में ससुराल में, उसकी पिक है ये। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए हमारा वीडियो, एक साल पहले का वीडियो। तो देखिए, आई लव यू सो मच, और ये फिंगर, हैप्पी न्यू ईयर जीजू। वाह, दीदी से ज़्यादा जीजू सबके प्यारे हो गए हैं। एक शायरी और, ऊपर से गिरा बम 2023 खत्म, नीचे से निकला आलू 2024 चालू। चलो पीने चलते हैं बियर, आपको हैप्पी न्यू ईयर। और ये हमारी फ़ोटो है शादी से पहले, हम लोग क्या कहते हैं मिले थे एक दूसरे से फैमिली के साथ, यहाँ शिव जी का मंदिर है कहलगांव में, NTPC मंदिर, तो ये ठंड के टाइम नवंबर में मिले थे, तो ये उसकी फ़ोटो है। भगवान भाई, थैंक यू आदि, इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। जीजा जी भी अभी ऑफिस गए हैं, शाम को जीजा जी आएंगे तो मैं दिखाऊंगी उनको भी ये, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और जीजी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, जीजी को भी दिखाऊंगी, मैंने पूरा पढ़ लिया, बहुत मस्त बना, थैंक यू, इतना अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट भेजने के लिए मेरे लिए, थैंक यू आदि। गैन मम्मी ने मेरे लिए कुछ बना के भेजा है, और ये देखिए, ये मम्मी ने भेजा है डोरमेट बना के मेरे लिए, कितना प्यारा डोरमेट है, इसको मैं अपने यहाँ पे बैठ के किनारे रखूँगी, इतना प्यारा कलर और सुंदर सा डोरमेट है, ऊन भी मस्त है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, मनी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सो भाई, शाम हो गया है और शाम को मैंने दिया बाती दिखा दी, और मैं दिखाती हूँ कि बेंगलोर में इतनी तेज़ हवा चलती है, तो मैं तुलसी के सामने से दिया रखती हूँ, उसको कैसे आड़ में रखती हूँ मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तुलसी माता का पौधा है और यहाँ पे मैं दिया रखती हूँ, क्या कहते हैं, हवा इतनी तेज़ चल रहा है, तुलसी के नीचे मैंने यहाँ पे गमला है उसी में दिया और अगरबत्ती दोनों लगा दिया है। और ये मेरा अड़ूर का पौधा जो कि पूरा मर गया है, जिंदा होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये, तो यहाँ पर मैं अपना दिया लगा देती हूँ। इतनी तेज़ हवा चलता है ना कि क्या कहते हैं, दिया बुझ जाता है और तेल भी नहीं जलता है, सारा तेल दिया में ही रह जाता है। भाई सभी तक पतिदेव ऑफिस से आए नहीं है और लगता है इनको अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आज का ब्लॉग रखते यहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपनों का ख्याल रखें, अपने से प्यार करो, हमारे वीडियो को ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करें, बाय।